गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब कहीं ऐसे होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बस अनुषा को स्कूल लेकर जा रही हूँ क्योंकि आज उसकी मैम ने मुझे बुलाया, उनसे मिलना है, इसलिए मैं उसके पापा नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ और अनुषा बाहर चली गई। तो चलते हैं फिर आकर आपसे मिलती हूँ। क्या कह रहे हैं? देख ले, अनुषा को तो छोड़ दिया मैंने और अब घर जा रही हूँ। उसकी मैम मुझे मिली भी नहीं है, अब शायद मुझे कल वापस आना पड़े दोबारा से। मैं घर आ गई हूँ, अब गेट खुलवाती हूँ। तो अनुषा को स्कूल छोड़कर आ गई थी और उसकी मैम तो मिली नहीं थी वहाँ पर, तो अब शायद मुझे कल दोबारा से जाना पड़े। तो देखती हूँ, या तो फ़ोन पर बात कर लूँगी। और स्कूल से आने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई थी तो बस सो रही थी और अभी उठी हूँ। रात को पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल नींद नहीं आती। सुबह के 5 बज गए थे, तब तक मैं जाग रही थी मगर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर 6 बजे अनुषा के लिए उठना होता है स्कूल के लिए, बिल्कुल मतलब तबीयत भी ठीक रहती है, ऐसा लगता है बस नींद ही नहीं है आँखों में। और फिर स्कूल से आने के बाद जो मुझे नींद आई है ना, फिर अब बस अभी उठी हूँ। और फिर उठने के बाद अपना घर क्लीन किया, झाड़ू पोछा सब कर लिया है मैंने। और अनुषा का आने का टाइम हो रहा है, अभी तो आधा घंटा बाकी है। तो हस्बैंड है नहीं, अब देखती हूँ अगर वो आ गए तो अनुषा को वही जाकर लाएंगे, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से उससे लेने जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ, कल रात में बुलाएं उसे फिर लगाने के लिए, परसों रात इतनी भी नहीं थकूंगी, देखती हूँ। चलो पापा से पूछती हूँ, ठीक है बुलाएंगे तो कब बुलाना है फिर ना। मैं काम करूँगी, कपड़े वपड़े धोने में समय दी छूट जाती, कपड़े तो अनुषा कह रही है कि मेहंदी लगवा लेना कल रात में, नहीं तो फिर ईद के दिन परसों लगवाओगी तो फिर सुबह में इतना काम करोगी थक जाओगी, रात में इतनी रात तक बैठी रहोगी। तो वो भी क्या करूँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्योंकि अगर कल लगवा लेना मुझे फिर परसों कपड़े धोने हैं, फिर वो छूट जाएगी कपड़े धोने और सारे काम ही मतलब। और मुझे ना ये दिल करता है जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो 2-3 दिन तक तो मैं कपड़े नहीं धोती, ऐसा लगता है मेरा दिल से दुखता है कि मेहंदी छूट जाएगी। तो अब देखती हूँ क्या करना है, अभी तो नाखून पर लगवा रही हूँ और ये अच्छे लगते हैं रेड रेड नाखून, तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ इन पर। मम्मी जा रही है मार्केट, तैयार हो गई मम्मी और एक हाथ लगा रही हूँ, एक हाथ पे ये लगाई है ना मेहंदी तो इसे धोया नहीं होना, कलर ही नहीं आएगा। कुछ मंगाना था पिज्जा लाऊंगी ये मेरा मंगाना मेरे साथ करा, नहीं क्यों नहीं जा रही? मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्या करूंगी मैं जाके, और काम है। चल नो नो नो, चूड़ियां बची हैं, चूड़ियां लेकर आ जाती हूँ और सारा सामान तो मेरा आ चुका है, तो फिर चलती हूँ। क्या ये इस साइज की क्रीम ला देना, इसे थोड़ी नहीं छोटी देखा, चल ना साथ में। ओ गिर गई, चल रख दे पर्स में रख दे मैं। और कुछ पिज्जा नहीं लाऊंगी, पहले ही बोल रही हूँ पिज्जा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ, ठीक है कुछ नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी होगी छोटी सी। और तो चूड़ियों के लिए ना वो कलर कभी मैं भूल जाऊँ तो कपड़ा लेकर जा रही हूँ, कौन सा कलर की लानी है, एक ये एक येलो, वो दूसरा दुपट्टा भी निकाल दो बेबा, एक पोलोथीन दे उधर इधर की तरफ है। खड़ा हो जा, खड़ा होकर निकलेगा वो ऊपर हैंगर में। सर उसमें डाल दो पोलोथीन, देखो ना रुक रुक के याद आ रहा है क्या काम रह गया। अब इसकी वॉश ठीक करानी है, मैंने कहा चलो वो भी करा दूंगी, वो कर लेगा ना वहीं पर अगर करेगा तो।
ऐसे हाथों हाथ याद आती है सारी चीज़ें, ला मेरा सामान दो। अच्छा तो चलिए मार्केट चलती हूँ, खाना भी खाया नहीं है, खाना आकर खाएंगे। और अनुषा साथ जा नहीं रही क्योंकि सिर्फ मुझे इस चूड़ियाँ लानी है और तो कुछ काम नहीं वहाँ पर। तो चलिए फिर चलते हैं। आओ सुनाओ क्या सुना, क्या कह रखी? नहीं नहीं कहो ना, ये पीछे पड़ी है, पिज्जा लाना पिज्जा लाना। मैंने मोबाइल ऑन कर दिया है ना तो चुप हो गई है कि क्या कह सकती हूँ मैं। वैसे तो मैं तुम कह सकती हो, सबको पता है मेरे जा, जब मैं कहीं जाती हूँ ना तुम ज़रूर कुछ ना कुछ बोलती हूँ। बोलो क्या बोलो क्या? ओ बेबू मेरी बराबर हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बस पैर उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलो बाय बाय बाय। मोबाइल ही नहीं हटाऊंगी, नीचे जाकर हटाऊंगी वरना इसकी फरमाइशें चालू रहेंगी। ऐसे ही दरवाज़ा खोलूंगी जो ये कुछ बोल ना सके। बोलना है कुछ? बोलना है तो सबके सामने बोलना होगा। बोलना ये बोलना, बहुत प्यारी बच्ची है, परेशान भी बिल्कुल भी नहीं करती है। बाय। आ गई हूँ हस्बैंड के पास, वो बैठे अपने ऑफिस में। नहीं चलना मार्केट, इतना इनको बोलना पड़ता है कि चलो मेरे साथ चले। और क्या क्या दिलाओगे? और टिक्की कौन खाता? मैं तो खाती भी नहीं। देखो यहाँ पर रोशनी ठीक है फिर भी ऊपर से। और बताओ अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ ना, आज उसके ऑफिस में आकर बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे लेकर नहीं जा रहे थे तो अब जा रहे हैं साथ में लेकर। और ऊपर से ज़्यादा रोशनी, कितनी प्यारी रोशनी हो रही है यहाँ पर। लाइट भी अभी लेकर आऊँगी, रोज मैं अपने भी लोगों में बोलती हूँ लाइट लगानी है, चाहे मैं चूड़ी नहीं लेकर आऊँ पहले लाइट लेकर आऊँगी। ला दोगे ना लाइट अभी? मिल जाएगी, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मार्केट और मुझे लेनी थी चूड़ियाँ तो बस वही लेने आई हूँ। और इतने ज़्यादा रश था ना, इतनी प्यारी मार्केट सजी हुई थी तो मैंने अपने लिए चूड़ियाँ ले ली थी। हस्बैंड को कुर्ता पजामा लेना था तो वो वही देख रहे थे मगर उनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने काफ़ी देखा मगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो हम आ गए। और ये देखिए हमारी मस्जिद कितनी प्यारी सजी हुई माशाल्लाह, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और अंदर तरावी पड़ी जा रही थी तो फिर तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई। और हस्बैंड ना फिर दूसरे शॉप पर चले गए अपने लिए कुर्ता पजामा देखने मगर उन्हें पसंद ही नहीं आया कोई, तो फिर हम बिना लिए आ गए। फिर अनुषा के लिए मुझे पिज़्ज़ा लेना था तो मैं पिज़्ज़ा लेने के लिए आ गई हूँ क्योंकि वो बोलती रहती है, उसके सामने मैं मना कर देती फिर मैं लेकर आई जाती हूँ। और यहाँ से मैंने चीज़ ली, चीज़ घर में होती तो कुछ भी बना लो एकदम, और अनुषा को तो वैसे ही पसंद है तो घर पर भी पिज़्ज़ा बनाती रहती है। और हमने लिया और हम घर पर आ गए। और मैं आ रही हूँ मैं भी, ठीक है पिज़्ज़ा खा लियो अपना, लाइट लेने जाओ ठीक है। खा लिया पिज़्ज़ा? क्या क्या बोल, कौन आया था? किसका? नानी का। और ये क्यों छोड़ दिया? मैं नहीं खाऊंगी बेबू, रोटी बनाने जा रही हूँ मैं, अपना फिनिश करो। और मैं ये लाइट भी लेकर आ गई हूँ, चूड़ियाँ सब सामान आ गया। तो मेरी लाइट भी आ गई आज, और एक लाइट तो हस्बैंड ने लगा भी दी, ये भी रोशनी में कुछ फर्क तो लग रहा है पहले से। इसलिए कहती हूँ बादाम खाया करो ठीक है।
और मेरा सामान आ चुका है, चूड़ियाँ भी दिखाती हूँ अभी। हस्बैंड मेरे सेट बना कर दे रहे हैं, मेरे कितनी चमक रही है ना, कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। क्या देखूं, टूट जाएंगी वो। वे दे देना ये कंगन, और यहाँ चूड़ियों की पैकिंग हो रही है, और मैं इतने कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। तो मार्केट से आ गई थी, और आज मेरी लाइट भी आ गई है, तो लाइट एक जगह, तो क्या करा, ये देखो क्या करा इन्होंने, ये देखो क्या करते हैं, इधर से बना के लाओ, इधर से बना के लाओ, देखो देखो देखो, ये हमेशा ये देखो, ये पापा ने क्या करा है, ऐसा लग रहा है चाय गिर गई हो, अभी भी पी रहे हो तो ये साफ कर दे, मजे से पी रहे हैं। ये हमेशा ऐसे करते ही है, मतलब अगर कुछ नुकसान ना करे ना तो वो हो ही नहीं सकता, पता है, तो ये मैं बैठूं ना, हां ताकि छोटे बच्चे तो यही है लकड़ा, और ये मम्मी की चूड़ियों की दुकान, उनको दे दे। और हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे ये हैं, मुझे किसी का डर नहीं लगता, यहाँ तक के इंजू किंजू के बच्चे हैं वो भी इतना घर गंदा नहीं करते जितना ये करते, खाना खा रहे हैं और सब्जी ना गिराए चादर पर कभी भी नहीं हो सकता, चाय ना गिराए हो ही नहीं सकता, किसी दिन अच्छे से खाना खा लेना, तो मैं सोच आज कुछ करा क्यों नहीं, अब देखो क्या करा इन्होंने, ऐसे करते हैं बस ये। अनुषा सफाई बनाई जा अनुजा कह रही है, एक बार चाय पी रहे थे मुंह में भरी और ऐसी पिचकारी मारी सामने दीवार पर। मैंने कुछ नहीं मिलाया था, कह रही मम्मी ने नमक मिला दिया था चाय में, इसलिए करा था पापा ने, मैंने कुछ नहीं करा था। और बस आज का मेरा यही था, और मेरे भी लोग आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ आप सब वीडियो देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें, और बस आज का यही था, अल्लाह हाफिज़।